नाउ आपके जो पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न को मैं आपको समझा रही हूँ. आपका पेपर पैटर्न इस तरह से हो रहा है. क्वेश्चन जो थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आते हैं 20-20 मार्क्स में, राइट. तो 60 मार्क्स और 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन इज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री एंड क्वेश्चन फोर, वो आपके 20 मार्क्स के आते हैं. किसी किसी कॉलेज ने 15 मार्क्स के पूछे थे लास्ट टाइम, अब नहीं होगा बिकॉज TY का पैटर्न जो है वो यही फिक्स है सबके लिए. ओके, तो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, तीन क्वेश्चन जिसके ऑप्शन में वापस से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 10-10 मार्क्स में पूछे जाएंगे. और क्वेश्चन नंबर फाइव होता है आपके शॉर्ट नोट्स, राइट. क्वेश्चन नंबर फाइव है शॉर्ट नोट्स. अब जो मैं आपको जो चैप्टर सिखाने जा रही हूँ वो कंपलसरी आपको आएगा ही आएगा. प्लस लास्ट टाइम भी, लास्ट ईयर भी आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था 10 मार्क में. सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान देना है और कंसेप्ट समझना है, राइट. आई रिपीट, आपको कंसेप्ट समझना है और ये कंसेप्ट में मेरा हमेशा हर बार अब तक एक दिन पूरा जाता है, सिर्फ कंसेप्ट समझाने में एक लेक्चर पूरा जाता है. अगर वो कंसेप्ट सबको अच्छे से समझ में आ गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, आपको आगे कोई भी सम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट. मेरा एक लेक्चर पूरा खाली अभी थियोरेटिकल ही जाएगा, आज का दिन सिर्फ कंसेप्ट समझने में जाएगा. ओके, तो वो कंसेप्ट समझते हैं. आपके कॉस्टिंग का पहला चैप्टर मैं ले रही हूँ. कॉस्टिंग फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मटीरियल कॉस्टिंग. ठीक है, कॉस्टिंग का आपका पहला चैप्टर है मटीरियल कॉस्टिंग, राइट. अब मटेरियल कॉस्टिंग में क्लास तीन चार टॉपिक है जो कवर करने हैं. पहला टॉपिक है आपका ईओक्यू, ई ओ क्यू, राइट. आपका पहला टॉपिक है ईओक्यू. दूसरा टॉपिक है स्टॉक वैल्यूएशन. स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन को अगर मैं एक आपको नाम बता दूं तो आपको फटाफट याद आ जाएगा, आपने किया है पहले भी. स्टॉक वैल्यूएशन आपने FI में किया है, दैट इज FIFO एंड वेटेड एवरेज, राइट. उसी से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते थे, स्टॉक वैल्यूएशन. ओके, उसी से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते थे. और ये आपको आता है कितने मार्क्स में, या तो 10 मार्क में ये आएगा या तो ये आना कंपलसरी है. ईओक्यू आना कंपलसरी है, वो आएगा ही आएगा ईओक्यू. ये याद मान के चलो कि 20 नहीं तो 10 मार्क्स में आएगा, लेकिन आएगा डेफिनेटली. और अगर ईओक्यू आ गया ना, मतलब वो आपको फ्री में मार्क्स दे रहे हैं, फ्री में मार्क्स दे रहे हैं. यू डोंट हैव टू डू, सिर्फ फॉर्मूला रखो, आंसर करो. ओके, तो क्लास अभी स्टॉक वैल्यूएशन मैं नहीं लेने वाली बिकॉज आपको FIFO एंड वेटेड एवरेज में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बिकॉज आपने सीखा है, काफ़ी लोगों ने मेरे से सीखा है, काफ़ी लोगों ने सीखा हुआ है. FY में आपका कंप्लीट है FIFO एंड वेटेड एवरेज, राइट. अभी मैं आपका मेन टॉपिक जो TY का है, स्टॉक EOQ, वो ले रही हूँ. ना EOQ का फुल फॉर्म क्या, अच्छे से सुनना क्लास, अच्छे से समझना. आज का पूरा लेक्चर कंसेप्ट बेस्ड है. ओके, ना क्लास EOQ का फुल फॉर्म, EOQ का फुल फॉर्म इज इकोनॉमिक, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि भाई आप अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, इफ यू आर इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप कुछ बना रहे हो. व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, भाई हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, साबुन. साबुन इज अ थिंग जो हम लोग सीधा कंज्यूम करते हैं. कंज्यूम करना मतलब क्या, हम लोग सीधा यूज कर रहे हैं उसे. लेकिन ये लक्स का साबुन या डव का साबुन कहीं बन रहा है, वो बनता है कहीं पर, वो बनता है फिर हमारे पास आता है. वो भी हमारे पास नहीं, पहले वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर हमारे पास आता है. ठीक है,
वो जो हमारी साइकिल है दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग, जो रॉ मटेरियल से कुछ बना रही है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ओके, तो सेम वे अब चाय पत्ती। ओके, चाय पत्ती में क्या है हमारा, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाय में क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें डालेंगे हम लोग चाय में, चाय पत्ती डालेंगे, कोई भी चाय पत्ती आप ले लो, ठीक है, टाटा ही लेंगे हम लोग, वी बिलोंग्स टू एन इंडियन कंपनी, हम लोग टाटा ही लेंगे, बाहर के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं अभी, ठीक है, टाटा की कंपनी की चाय ली, पानी लिया, ठीक है, शुगर एंड मिल्क, दिस ऑल आर द रॉ मटेरियल्स दैट वी यूज टू प्रिपेयर टी, राइट। चाय बनाने के लिए हमें ये सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए। ओके, तो क्लास अगर ये सारे रॉ मटेरियल्स हम लोग उसको पुटअप करते हैं, गैस पे रखते हैं, फिर बनता है हमारा फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज चाय, फिर हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो सेम वे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अब चाय पत्ती के लिए क्लास जो भी चीज़ है, रॉ मटेरियल है या आपका, आप कोई भी फिनिश गुड्स बना रहे हो, ठीक है आपने कोई भी फिनिश गुड बनाया तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो ये देखते हैं कि मैं कितना रॉ मटेरियल अपने गोडाउन में लेके रखूं, क्योंकि अगर उसने कम रॉ मटेरियल लेके रखा तो अगर उसका कम रॉ मटेरियल है तो उसको कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि अगर जब तक से फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन का पीरियड है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है अगर उसने स्टोरेज अच्छे से करके रखा होगा रॉ मटेरियल, तो अभी भी उसकी फैक्ट्री चल रही है, प्रॉपरली चल रही है, क्योंकि उसने अपना रॉ मटेरियल प्रॉपरली खरीद के रखा है, स्टॉक में रखा है। अगर उसके पास रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं है तो आज उसकी फैक्ट्री बंद है, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, कहाँ से फिनिश गुड्स लाएगा, कहाँ से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो आपको क्या बताता है कि मैं कितना रॉ मटेरियल खरीद के रखूं, जिससे आई रिपीट जिससे मेरा कम से कम कॉस्ट आए, जिससे मेरा कम से कम कॉस्ट आए, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब कम से कम कॉस्ट क्या होता है, कम से कम कॉस्ट मतलब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब वो है से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आप सब हम लोग सब बटर यूज करते हैं, ठीक है, अमूल बटर, ठीक है, 500 ग्राम्स वाला हम लोग बटर लेते हैं, दैट इज हाफ केजी वाला बटर ले लिया, ठीक है। अब डीमार्ट, काफ़ी लोग हैं जो कोंडगांव में रहते हैं, काफ़ी लोग खड़कपाड़ा रहते हैं, काफ़ी लोग उल्लासनगर रहते हैं, आंबेवली रहते हैं, ठीक है, तो डीमार्ट से शॉपिंग करने जाते हैं, डीमार्ट में क्योंकि प्राइस कम है भाई, बहुत कम है, ठीक है, तो हम लोग ने डीमार्ट से शॉपिंग करने गए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार जाएंगे, ठीक है, कम से कम 2-3 महीने का स्टॉक भर लेते हैं, 2 महीने तो ले लेते हैं कि बार बार नहीं आना पड़े हमें, 2 महीने का स्टॉक ले लेते, ठीक है। तो अगर 2 महीने का स्टॉक, अभी मैंने से फॉर एग्जांपल 500 ग्राम वाला अमूल का बटर लिया, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या करेंगे भाई, हम लोग का हमारे मुझे पता है ऑन एन एवरेज मेरा ये 2 महीने चल जाता है, ठीक है, ये जो अमूल बटर है 2 महीने चल जाता है, तो मैं क्या करती हूँ 2 महीने का एक बटर का पैकेट लेके रख लिया, ठीक है, इनफ है, क्योंकि हमें थोड़ी पता था ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने एक बटर लेके रख दिया। नाउ क्लास, कोई ऐसा करता है क्या, अभी कोई ऐसा करता है, अभी की बात नहीं, लॉकडाउन की बात नहीं, सिंपल सिनेरियो इज वेरी सिंपल, क्या हम लोग डीमार्ट गए तो हम लोग ऐसा करें 6-7 पैकेट अमूल बटर लेके रख लेते, 6-7 पैकेट आधा किलो का अमूल बटर लेके रखते हैं, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज अमूल, अगर मैं अमूल बटर लेके रख रही हूँ तो मुझे, अगर मेरे यहाँ फ्रिज है तो मुझे उतना उसको अंदर फ्रिज में रखना है, जगह भी तो चाहिए मेरे को रखने के लिए, खाली फ्रिज में अमूल बटर थोड़ी पड़ा रहेगा, बाकी सारी चीज़ें भी तो होती है, राइट, तो उसे संभालने का खर्चा, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट, संभालने का खर्चा। हम लोग चीज़ें शॉपिंग करते हैं लेकिन उतनी ही करते हैं जितनी हमें नीड है, जितनी हम संभाल सके, राइट, जितना हम लोग संभाल सके। अब से फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एक पे एक फ्री मिल रही है, जो फैमिली पैक का डब्बा आता है ना, एक पे एक फ्री मिल रहा है, ठीक है, तो पापा ने क्या किया, हमारे पापा ने 4 पैकेट ले लिए, एक पे एक फ्री थी,
तो टोटल कितने हो गए, 8 पैकेट हो गए, राइट, टोटल 8 पैकेट हो गए। अब फ्रिज में जगह होनी चाहिए, नहीं तो वो आइसक्रीम मेल्ट फ्रीजर में कितना आएगा आपका, फ्रिज में नहीं हमें फ्रीजर में रखनी है, फ्रीजर में रखने आपके कितने पैकेट, 8 पैकेट थोड़ी आएंगे। तो हमने क्या किया, बाकी के थोड़े से पैकेट हमने क्या किए, बाजू वाले नेबर के घर में रख दिए। फिर अगर नेबर के घर में रखे हैं तो अगर आप जब लेने जाओगे तो ह्यूमैनिटी के तौर पे कुछ तो उसको दोगे, देना पड़ेगा, राइट, देना तो पड़ेगा, नहीं तो बिना दिए तो चलता नहीं है। बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है, अगर हमने किसी से हेल्प ली है तो हम लोग डेफिनेटली उसके घर पे अपना सामान भी रखने गए हैं ना, अगर हमने उसके घर पे चॉकलेट भी रखा है ना, राइट, क्लास, अगर हमने क्लास वन थे, अगर हमने उसमें उसके घर पे अपनी चॉकलेट भी रखी है तो उस चॉकलेट का कुछ हिस्सा, एक तो चॉकलेट हम लोग अगर उसके यहाँ पर कोई बच्चे होंगे तो उसको देकर आएंगे, राइट, स्लीपर पहुंच गए। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने बाजू वाले के घर वो आइसक्रीम के 8 पैकेट, 4 पैकेट तो हमने अपने यहाँ रख लिए, 4 पैकेट उनके यहाँ दे दिए, ठीक है मैडम अपना थोड़ा संभाल के रख लो, ठीक है उन्होंने संभाल, तो हम लोग कुछ ना एक पैकेट तो उनको दे के ही आएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उनकी हेल्प ली थी, राइट, केयरिंग कॉस्ट। तो क्लास हमको कुछ तो खर्चा पड़ा ना, हमने संभालने के लिए क्या किया, हमने संभालने के लिए बाजू वाले के घर रखा, तो वो जो एक आइसक्रीम थी वो एक आइसक्रीम में पैसा तो लगा हुआ था, तो उसको हमने संभाला है, उसको अगर हमने संभाला है किसके घर में, बाजू वाले के घर में, तो वो हमारे पेट में नहीं गई, वो बाजू वाले के घर में गई है, राइट, क्लास, अगर वो बाजू वाले के घर में गई है मतलब हमारा वो जो कॉस्ट था जो हमने आइसक्रीम बाजू वाले के घर, वो फ्री में तो आई नहीं थी ना, वो फ्री में हमने ली नहीं थी, उसकी हेल्प ली है और हमने उसे क्या किया है, हमने उसे आइसक्रीम दे दी है, तो उसे बोलते हैं संभालने का खर्चा, राइट, उसे संभालने का खर्चा बोलेंगे। तो सेम वे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होते हैं ना, वो उतना ही स्टॉक खरीदते हैं जितना डैमेज ना हो, अगर वो पूरा 2 साल का स्टॉक खरीद के रख लेंगे, रॉ मटेरियल खरीद के रख लेंगे, तो उनका हो सकता है स्टॉक खराब हो जाए, होता है वो, पॉसिबल है कि खराब भी हो सकता है, पॉसिबल है कि अगर कुछ गोडाउन में अगर आग लग जाए तो भी जाता है, फायर इंश्योरेंस अगर क्लेम है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, राइट, वो अलग पार्ट है, लेकिन चांसेस है कि हम लोग हद से ज़्यादा अगर स्टॉक संभाल के रखते हैं तो वो खराब होने के चांसेस है, ओके, तो उसे बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, संभालने का खर्चा, गोडाउन संभालने का खर्चा, गोडाउन में चीज़ों को संभालने का खर्चा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईओक्यू अगेन, ईओक्यू मतलब हम लोग कितना रॉ मटेरियल खरीद कर लाए या कितना रॉ मटेरियल अपने पास स्टोर करे जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। मैं अब ये जो मैंने आपको बताया ना, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, जब भी मैं आपको ईओक्यू पूछूँ ना तो आपको ईओक्यू में मुझे यही आंसर देना है। ईओक्यू मतलब फुल फॉर्म नहीं बताना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं बताना है, ईओक्यू मतलब कितना रॉ मटेरियल परचेज करे जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम लगे या तो कम से कम आए, राइट, मतलब क्या कि हमने रॉ मटेरियल कितना परचेज करूं जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए, राइट, कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको समझाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब जो हमने रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स मैंने खरीदे हैं उसको संभालने का खर्चा, राइट, उसको क्या करने का खर्चा, संभालने का खर्चा, उसे बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा क्लास, काफ़ी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट, स्नैपडील, अमेजोन है हमारे पास, ओके, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो क्लास ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कभी कभी वो फ्री शिपिंग नहीं देते हैं हमको, दे यूज टू चार्ज समथिंग, शिपिंग कॉस्ट लेते हैं हमसे,
राइट। कभी कभी ये लोग शिपिंग कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि अगर दूर से आ रहा है तो वो शिपिंग कॉस्ट ले लेंगे। नहीं, कोई कोई प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग कॉस्ट भी रहता है, कोई फ्री शिपिंग है, राइट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब से फॉर एग्जांपल आपने अपने कार्ट में 3 से 4 प्रोडक्ट रखे हुए हैं कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें शॉपिंग करनी है, तो हम ऐसा करते हैं, एक बार ऑर्डर करते हैं, शिपिंग चार्जेस भरेंगे, 2 दिन बाद हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, चलो दूसरा भी शॉपिंग करते हैं, फिर से शिपिंग कॉस्ट भरेंगे, फिर 2 दिन बाद हमने क्या किया, तीसरा जो कार्ट में रखा था उसको भी ऑर्डर किया। ऐसा करेंगे कभी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, चारों का चारों साथ में मंगवाने, ताकि एक ही बार मुझे कॉस्ट लगे, राइट, मुझे बार बार शिपिंग कॉस्ट नहीं भरना है। अगर डोमिनोज वाला फ्री में डिलीवरी नहीं देता तो क्या आप लोग एक एक पिज्ज़ा मंगवाते? हमें पता है हमको भूख कितनी लगती है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, अगर वो ऑर्डरिंग कॉस्ट लेता है, फ्री में डिलीवरी नहीं देता, तो हम लोग एक ही, हम लोग ऐसा करते हैं, चलो एक बार वो मीडियम स्मॉल साइज़ का जो पिज़्ज़ा आता है वो मंगवाते हैं, नहीं अभी पेट नहीं भरा, चलो वापस से मंगवाओ, ठीक है, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भरा, फिर तीसरी बार फिर मंगवाया, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भरा, फिर चौथी बार फिर मंगवाया, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऐसा करेंगे क्या? नहीं ना। जब हमें पता है हमको 4 पिज़्ज़ा खाए बिना हमारा पेट नहीं भरता है, तो हम लोग एक ही साथ 4 पिज़्ज़ा डिलीवर कर देंगे, ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे सिर्फ 1 टाइम लगे, राइट, एक ही टाइम लगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। आया समझ में? मतलब EOQ, फिर से बता रही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EOQ? EOQ मतलब हम लोग कितना रॉ मटेरियल खरीद, आई एम प्रेसिंग द थिंग्स ऑन रॉ मटेरियल, आई एम प्रेसिंग माय वर्ड्स ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब आपका जिससे प्रोसेस होके फिनिश गुड्स बनता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, राइट। कितना रॉ मटेरियल परचेस करे जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम लगे। मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम करना है, मुझे कैरिंग कॉस्ट भी कम करना है, वो आपको बताएगा कि मैं कितना EOQ आपको हमेशा यूनिट्स में देगा, कि भाई ऐसा कर, तू 300 ही रॉ मटेरियल खरीद, 300 यूनिट्स ही खरीद, बिकॉज अगर तू 300 से ज़्यादा खरीदेगा तो तेरा कैरिंग कॉस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट का खर्चा मतलब उसको संभालने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो EOQ मुझे ये बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EOQ? EOQ मुझे ये बताएगा कि मैं कितने यूनिट्स खरीदूं, किससे, सप्लायर से, जो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो वो रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहे हैं उससे मैं कितने यूनिट्स खरीदूं जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम लगे, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा के घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, ठीक है, प्रेरणा के घर पे बहुत सारे गेस्ट हैं, तो उनको आप अभी गेस्ट आए हुए हैं तो दूध भी चाहिए, क्योंकि सबको चाय वगैरह चाहिए, ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध चाहिए, बॉर्नविटा डाल, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि प्रेरणा की मम्मी ने बोला कि ऐसा कर बेटा, थोड़े उसके घर के पास में ही है, थोड़ी दूर जाके कि दूध ले जाओ, ओके। तो दूध उसके घर पे वैसे नॉर्मली 2 लीटर लगता है, नॉर्मली उसके घर पे जितने भी लोग हैं, 4 लोग हैं नॉर्मली, तो 2 लीटर, लेकिन गेस्ट आए हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, तो उसकी मम्मी ने बोला ऐसा कर, अब 10 लीटर दूध चाहिए। कितना लीटर दूध चाहिए? 10 लीटर, ओके। पहले 2 लीटर चाहिए था नॉर्मली, अब 10 लीटर दूध चाहिए, क्योंकि गेस्ट है, 20 गेस्ट आए हुए हैं, तो 10 लीटर दूध चाहिए। तो अब प्रेरणा क्लास, तो अब प्रेरणा ने क्या बोला, ठीक है मम्मी मैं लेकर आती हूँ, ओके। तो प्रेरणा की मम्मी, एक सेकंड क्लास, तो अब प्रेरणा गई दूध लेने, ठीक है, तो मम्मी ने बोला ऐसा कर, तो अभी तू 2 लीटर ले आ, बाद में फिर लगेगा तो बाद में ले, क्योंकि अभी फ्रिज में भी जगह नहीं है, पहले उसको बॉइल करके रखना पड़ेगा, जगह नहीं है, ठीक है, तो अभी 2 लीटर ले आ, तो गई 2 लीटर लाने, 2 लीटर के दूध, समझो से फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर दूध आया 100 रुपये का, मतलब 50 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, 2 लीटर दूध आया कितने का, 100 रुपये का। अब प्रेरणा ने बोला मम्मी मैं जा रही हूँ, तो ऐसा करूँ मैं एक डेयरी मिल्क भी खा लूँगी, ठीक है, तो डेयरी मिल्क ठीक है ले 10 रुपये, और उसको मम्मी ने 10 रुपये दे दिए, तो उसकी मम्मी को वो दूध जो 2 लीटर दूध है वो कितने का पड़ा, 110 रुपये का,
राइट 110 आए रास्ते में खाते खाते डेलमिट खत्म, क्योंकि घर पे लेके जाएंगे तो बच्चे बैठे हैं, शेयरिंग करके खाना पड़ेगा, तो प्रेरणा ने रास्ते में ही खा लिया, राइट ओके। तो सेम वे क्लास। अब उसकी मम्मी ने 2 लीटर दूध अब खत्म हो गया, कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी ने फिर से बोला कि प्रेरणा जा 2 लीटर दूध फिर से लेके आ, फिर से गई 2 लीटर दूध लेने। क्लास कितनी बार जाएगी 2 लीटर दूध लेने, वो कितनी बार जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको 10 लीटर चाहिए। अगर उसकी माँ उसकी मम्मी बार बार अगर भेज रही है, 5 बार जाना पड़ेगा, राइट 5 बार जाएगी वो, ओके कितनी बार जाएगी वो, 5 बार जाएगी। तो सेम 10 रुपये फिर से उसकी मम्मी उसको देगी, 110 का कॉस्ट आया, तीसरी बार फिर गई 110, फिर से 110, फिर गई 10। तो क्या प्रेरणा कितनी बार गई, 1 बार गई 110, फिर से गई, ऐसे कितनी बार गई, 5 बार गई। और उसने कितनी डेयरमिल्क खाई, 5 डेयरमिल्क खाई, कभी आइसक्रीम खा के आई, कभी डेयरमिल्क लेके आई, 5 बार, ओके। तो 10-10 रुपए लगे हर बार के, तो कितने रुपीज एक्स्ट्रा लगे, 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगे, जिससे हम लोग बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, 50 रुपए एक्स्ट्रा लगे भाई, क्यों, बिकॉज उसकी मम्मी ने 2-2 लीटर करके दूध मंगवाया, कितने लीटर दूध मंगवाया, 2-2 लीटर करके दूध मंगवाया, और कितनी बार उसको जाना पड़ा, उसको 5 बार जाना पड़ा, क्योंकि टोटल उसको 10 लीटर दूध चाहिए। एक ऐसा भी तो काम हो सकता था, उसकी मम्मी ऐसा भी तो कर सकती थी, ऐसा करो 5 लीटर साथ में मंगवा लो, तो 2 ही बार जाना पड़ेगा, अगर 5-5 लीटर लेकर आती है तो 2 ही बार जाना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, तभी भी वो लेगी तो 10 रुपए ही ना, तो कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, सिर्फ 20। समझ में आया मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाल रही हूँ, समझ में आया, व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब आप कितनी जब कितनी बार ऑर्डर करो तो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, आपने जितनी बार ऑर्डर किया उतना आप एक्स्ट्रा पे करोगे, राइट। तो वो EOQ हमें वही यूनिट्स लाके देगा कि जिससे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों चीजें कम आए। उसकी मम्मी ऐसा भी तो कर सकती ना, 5-5 हर 2-2 लीटर मंगवाने से अच्छा तो 5 लीटर 2 बार मंगवा ले, इससे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया। ये हमें कौन निकाल के देगा, ये हमें EOQ बताएगा, EOQ आपको वही यूनिट्स बताएगा कि आप ऐसा करो, इतने सारे मत मंगवाओ, 2-2 बार 5-5 बार उसको 2-2 लीटर के लिए मत भेजो, आप उसे ऐसा करो 2 बार ही भेजो, 5 लीटर कंज्यूमेबल है और 5 लीटर फटाफट खत्म हो जाएंगे, ओके तो ऐसा करो, इसमें आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम आएगा, 20 रुपये लगेगा। ये प्रेरणा ने तो कितने रुपए खा लिए, 50 रुपये खा लिए, 50 रुपये की डेली खा ली, क्यों, बिकॉज वो 5 बार गई थी। तो EOQ हमें वही बताता है, EOQ हमें क्या बताता है, कितना रॉ मटेरियल हम लोग खरीदे। आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EOQ, EOQ हमें ये बताता है कि मैं कितना रॉ मटेरियल खरीदूं जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए, ओके। क्या क्या खरीदना है क्लास, रॉ मटेरियल। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो फिनिश गुड्स की डिटेल्स देते थे, क्वेश्चन में फिनिश गुड्स की डिटेल दे देते हैं, डोंट लुक इनटू फिनिश गुड्स, बिकॉज EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमेशा किसका निकलता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स का नहीं निकलता, ठीक है। अब EOQ का मतलब तो हमें समझ में आया, EOQ का मतलब होता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसका फुल फॉर्म है, उसका मतलब ये है कि हम लोग कितना रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदेंगे जिससे हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम लगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम लगे, ओके। तो EOQ का फॉर्मूला क्या है, EOQ कैसे आएगा, 2 × A × O × C अंडर रूट, राइट। क्या आपका सेशन अभी 5 मिनट्स में एंड होगा, लेकिन मैं आपको फिर से लिंक भेजूंगी, आपको फिर से ज्वाइन करना है, नया लिंक भेजूंगी आपके मोबाइल पर, उसको फिर से ज्वाइन करना है। नाउ 2, दैट इज सिंपल 2। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, ए
मतलब एनुअल डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? एनुअल डिमांड मतलब एनुअली, एनुअली पूरे साल में आपको कितने रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है ये बताओ. आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? ए मतलब एनुअल डिमांड, पूरे साल में आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा ये बताओ. क्वेश्चन में कभी कभी वो लोग 6 महीने का दे देते हैं तो हम उसको डबल कर देंगे, राइट? हम लोग क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे. तो एनुअल डिमांड बताओ, डिमांड किसकी? रॉ मटेरियल की, कि तुम्हारा रॉ मटेरियल कितना लगेगा पूरे साल में ये बताना है हमें. ठीक है, समझ गए? ए मतलब क्या? एनुअल डिमांड. व्हाट इज द ओ? ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब अगर हमने एक बार ऑर्डर किया तो कितना खर्चा आया. आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ? ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर किया तो कितना खर्चा आया. अब जैसे प्रेरणा 5 बार गई थी, 10-10 लीटर का दूध है, 2-2 लीटर, 5 बार गई, तो हर एक बार में उसने कितना एक्स्ट्रा लिया मम्मी से? 10 रुपया. तो वो 10 रुपया क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट. उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको 5 बार भेजा, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर करके, राइट? तो कितना खर्चा पड़ा उसको? 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा. तो एक ऑर्डर पे कितना पड़ा? एक ऑर्डर पे 10 रुपये पड़ा, एक ऑर्डर. आई रिपीट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब वो, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे कितना खर्चा पड़ा? एक ऑर्डर पे 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, संभालने का खर्चा. कितने यूनिट्स को? एक यूनिट को अगर आपको पूरा साल संभालना पड़े, पूरा साल स्टोर करके रखना पड़े, तो कितना खर्चा आएगा वो बताओ. एक यूनिट को संभालने का खर्चा. अच्छा क्लास, अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊँ, जैसे लॉकडाउन का पीरियड है अभी, ठीक है, तो हम लोगों ने राशन भर के रखा है. ऐसा कोई है जिसके घर में पूरा एक रूम राशन से ही भरा पड़ा है? दाल 50 किलो लेके रखी है, पूरा डीमार्ट ही खरीद के रख लिया, ऐसा लग रहा है 50 किलो दाल है, राइट? गेहूं दर पूरा एक स्टोर ही भरा पड़ा है सारी चीज़ों का, बासमती चावल है, बहुत सारे चावल रखे रखे हैं, और उसके अलावा बिस्किट्स भी रखे हुए हैं. ओके, आपको ध्यान हो तो ऐसा आउट ऑफ कंट्री में भी ऐसा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया, काफ़ी लोगों ने स्टोर, काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रखी. ओके, तो अब वो जो स्टोर करके रखा है, बाय चांस अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो जल्दी ख़राब होने वाली है, अगर आपने वो भी अभी चावल है या दाल है या कुछ भी चीज़ है, अगर आप उससे कुछ उसमें कुछ पाउडर वगैरह ऐसा कुछ लगा के नहीं रखते, केमिकल्स स्टोर करके नहीं, तो वो ख़राब हो जाती है. ओके, उसमें कुछ ना कुछ ख़राब हो जाती है, तो हमें उसको फिर धूप में रखनी पड़ती है. और आप ग्रॉसरी की शॉप पे भी देखो, ये जो शॉप जो दाल वगैरह वो लोग धूप में रखते हैं, और वो लोग इतना स्टोर करके नहीं रखते, ठीक है, वो लोग इतना स्टोर करके नहीं रखते ताकि वो ख़राब हो जाए. ख़राब होगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, राइट? तो कैरिंग कॉस्ट मतलब वही होता है कि कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या? कैरिंग कॉस्ट मतलब संभालने का खर्चा. किसको? एक यूनिट को, एक यूनिट को संभालने का खर्चा. कितने साल? पूरा एक साल, पर एनम. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट? हम लोग उतना ही सामान खरीदते हैं जितना हम लोग संभाल सके और जितना खराब ना हो. हमने हद से ज़्यादा खरीद लिया तो वो ख़राब हो जाएगा. ओके, तो कैरिंग कॉस्ट आपको यही बताता है, कैरिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड पर एनम. व्हाट इज ओ? ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? एनुअल डिमांड. किसका एनुअल डिमांड होना चाहिए? किसका एनुअल डिमांड होना चाहिए? यस, रॉ मटीरियल का. मुझे ईओ क्यू रॉ मटीरियल के लिए वर्कआउट करना है, फिनिश गुड्स के लिए नहीं. हाँ बोलो. नहीं, ठीक है. ईओ क्यू मीन्स वॉट? ईओ क्यू मीन्स
कितना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे हम, जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम लगे। ओके, तो ईओक्यू हमें यूनिट्स की डिटेल्स देगा कि भाई एक बार में इतना ही खरीदो, अगर इतना खरीदोगे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम आएगा, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास। नाउ आपको मैं लिखने का थोड़ा टाइम दूंगी। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ क्लास, कभी कभी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे प्रेरणा गई थी दूध देने गई थी, कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब वो 2-2 लीटर का दूध ला रही थी तो कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा था उसको, 50 रुपीज। वो कैसे निकाला आपने, मुझे समझ नहीं आया, 50 रुपये कैसे निकाला, क्या गई थी, क्या वापस से बोलो। हाँ, 5 बार गई थी और एक बार में ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर प्रेरणा वाला एग्जाम्पल हो तो मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा था, 50 रुपया, राइट। अब क्लास आपको खुद को आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर टोटल कोई मुझसे पूछे ना कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा, तो प्रेरणा वाले एग्जाम्पल में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा 50 रुपया और एक ऑर्डर पे कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ मेरा, एक ऑर्डर पे 10 रुपया खर्चा एक्स्ट्रा हुआ। तो कभी कभी क्लास पूछते हैं कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, तो हमारा प्रेरणा वाले एग्जाम्पल में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपया है, तो वो मैंने कैसे निकाला, ठीक है, वो मैंने कैसे निकाला, मैंने ये देखा कि मैं कितनी बार गई, प्रेरणा कितनी बार गई, 5 बार, और एक बार में कितना एक्स्ट्रा खर्चा करके आई, 10 रुपया। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं और इसका फॉर्मूला बन जाए तो देखो ये है, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कितनी बार गई है वो, 5 बार, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार में उसने कितना एक्स्ट्रा किया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो हमारा आ गया, देखो फॉर्मूला मुझे बताया नहीं कि जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, 50 रुपये आपने आंसर अपने आप निकाल लिया था, कैसे निकाला था, 10 को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से, क्योंकि मैं 5 बार गई, 5 बार गई और एक बार जाने पे मेरे 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्चे आए, तो मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया, 50 रुपये। आया समझ में, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे कितना आया, 50 रुपये। अब मैडम आपने तो बता दिया ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब कितने बार हमने ऑर्डर किया, प्रेरणा कितनी बार गई थी लेने, 5 बार गई थी, तो कभी कभी ना ये फॉर्मूला में भी पुटअप करना पड़ता है, फॉर्मूला में भी पुटअप करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, ये 5 जो अभी ने रख लिया, ये पाँच कैसे आया था तुम्हारा, तुम मुझे बता सकता है कि 5 कैसे आया, क्या वापस से बताओ, वही 5 बार क्यों गई, 2 बार भी तो जा सकती, क्यों 5 बार गई। यस 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 यस, मुझे यही आंसर चाहिए था कि वो एक बार में सिर्फ 2 लीटर लाती थी, ठीक है, वो एक बार में सिर्फ 2 लीटर लाती थी, ठीक है। तो अगर मुझे कभी कोई ये बोले कि मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं, मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि एनुअल डिमांड, मतलब मुझे टोटल, प्रेरणा को कितना टोटल दूध चाहिए था, 10 लीटर, और एक बार वो गई थी तो कितना लेकर आई थी, 2 लीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ईओक्यू। ईओक्यू मतलब हम लोग कितना, एक बार गए तो हम लोग कितना रॉ मटेरियल, मैं इसको और थोड़ा सा और अच्छे से हिंदी में लिखती हूँ, बिकॉज हिंदी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। एक बार गए, यस, एक बार गए तो कितना रॉ मटेरियल परचेज करे, जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए,
राइट। प्रेरणा एक बार गई थी तो कितना लेकर आई थी? 2 लीटर। तो उसको बताओ वैसे 10 बार जाना पड़ेगा, सॉरी 5 बार जाना पड़ेगा, तो कितना आया? उसमें कितनी बार ऑर्डर करेगी वो? 5। आया समझ में? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने कैसे निकाले? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने निकाले एनुअल डिमांड, मेरी जितनी टोटल डिमांड थी उसको मैंने किससे डिवाइड किया? EOQ से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EOQ? कि मैं एक बार जाऊंगी भागते भागते सप्लायर्स के पास तो कितना रॉ मटेरियल लेकर आऊं एक ही बार में ना, जिससे मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एनुअल डिमांड को 2 से डिवाइड किया। क्यों 2 से डिवाइड किया? क्योंकि वो एक बार में 2 ही लीटर ला रही थी। प्रेरणा एक बार जाती थी तो सिर्फ 2 लीटर लेके आ रही थी, उसको ऐसे 5 बार जाना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको बताने से पहले ही आ गया था, राइट? हम लोगों को वो चीज़ अच्छे जल्दी समझ आते हैं क्योंकि हम लोग ने एग्जाम्पल्स देखे। हिंदी में जब हम लोग समझते हैं ना हमें अच्छे से समझ में आता है। यही मैं आपको नंबर ऑफ ऑर्डर का डायरेक्टली फॉर्मूला बताती तो नहीं समझ में आता, लेकिन आपका जो प्रेरणा वाला एग्जाम्पल था 10 लीटर उसको टोटल चाहिए, एनुअल डिमांड 10 लीटर, राइट? एक बार में वो कितना लेकर आती थी? 2 लीटर। तो ऐसा उसको कितनी बार जाना पड़ेगा? 5 बार। एक बार जाएगी तो 10 रुपये खर्चा करके आएगी, तो टोटल उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 50 रुपया। आया समझ में? समझा क्लियर अच्छे से? ओके ना, ठीक है। मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कभी कभी बोलो एक और क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे, ईओक्यू निकालने को बोलो तो ठीक है, ईओक्यू मैंने निकाला, ईओक्यू का फॉर्मूला हमने अभी लिखा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हम लोग निकाल लेंगे कि प्रेरणा पूरे 50 रुपये खर्चा करके आई ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। ठीक है, ठीक है। कभी कभी वो लोग एक और क्वेश्चन में पूछते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्या पूछते हैं? टोटल कैरिंग कॉस्ट बताओ। जो हमने ईओक्यू के फॉर्मूला में 2 into A into O / C किया था, और सी क्या था? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इट वॉज पर यूनिट, एक यूनिट को संभालने का पूरे साल का खर्चा। लेकिन उन्होंने बोला टोटल बताओ, टोटल कैरिंग कॉस्ट बताओ। ठीक है, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल कैरिंग कॉस्ट हम लोग निकालेंगे हाफ, 1/2, हाफ इंटू ईओक्यू, जो ईओक्यू आंसर आएगा, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हाफ मल्टीप्लाई बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इससे आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट पता चल जाएगा रुपीज में, मतलब टोटल मेरा पूरे साल का रुपीज में कितना खर्चा आया कैरिंग कॉस्ट का। ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का आंसर देता है, ये वाला टोटल कैरिंग कॉस्ट पूरे साल का रुपीज में आंसर देगा, पूरा अमाउंट टोटल अमाउंट आपको बताएगा। एनी डाउट? एनी डाउट क्लास? क्लियर अच्छे से? ओके, तो अब मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे आंसर देगा, राइट? फिर से एक बार फटाफट कर देती हूँ कि आपने आज पूरे लेक्चर में क्या क्या सीखा। ठीक है, पूरे लेक्चर में आपने क्या सीखा वो बता रही हूँ। ईओक्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईओक्यू? एक बार गए तो कितना रॉ मटेरियल परचेस किया जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए, राइट? ओके, आज पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा वो वापस से बता रही हूँ। ईओक्यू मीन्स व्हाट? ईओक्यू का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में क्या बोलूँगी? एक बार जाएंगे तो कितना रॉ मटेरियल परचेस करेंगे जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट
एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम लगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ ईओक्यू। ओके, अब ईओक्यू का फॉर्मूला हमने लिखा है, ईओक्यू इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी। 2 ए मीन्स स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड किसका होता है, रॉ मटेरियल का। ओ दैट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार गया तो कितना एक्स्ट्रा खर्च के, कितना एक्स्ट्रा खर्च करके आए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, तो ये ईओक्यू का फॉर्मूला, इससे हमें ये बताएगा, वो यूनिट्स में आंसर देगा और बोलेगा कि हम भाई एक बार जाओ तो इतने यूनिट्स लेकर आना, इससे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हमें निकालना है, टोटल हमने कितना खर्चा किया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, कितनी बार जाना पड़ेगा हमें, एनुअल डिमांड को डिवाइड कर दो ईओक्यू से, बिकॉज एक बार हम लोग 2 लीटर दूध लेकर आए थे, टोटल 10 लीटर चाहिए, 10 लीटर में से एक बार जाओगे तो 2 लीटर लेके आओगे, तो टोटल 5 बार जाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम्स अप टू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑर्डर करो और एक बार ऑर्डर करो 10 रुपया लगेगा, टोटल कितना रुपया लगा, 50 रुपया, राइट। नॉट टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो ये आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट आया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आया, ये ईओक्यू, ईओक्यू का आंसर हमेशा यूनिट्स में आएगा, या तो यूनिट्स या तो केजी, जिसमें वो लोग देंगे रॉ मटेरियल। अगर आपका रॉ मटेरियल केजी में है तो केजी में आंसर देगा, वो लीटर्स में है तो लीटर्स में आंसर देगा, राइट। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है,